अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इफ्रा फैशन। इफ्रा फैशन में आज आपको अंगरखा स्टाइल में कॉट कॉलर बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। एक सिस्टर, हमारी प्यारी सी सिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें अंगरखा स्टाइल में कॉट कॉलर सीखना है, तो आज की वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले हमें जो बैक साइड का पैटर्न होता है वो उसको हमारी फिटिंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। उसके बाद जो फ्रंट वाला हमारा अलग से जो फैब्रिक है उसको फ्रंट को सेंटर से कटिंग कर लेना है बिल्कुल, और इस तरह से एक अलग कलर का मैचिंग में फैब्रिक लेकर उसको फ्रंट साइड पे पेस्ट करके हमें इसको इस तरह से ऊपर पेस्ट करना है, और ऊपर सिलाई लगेगी। जो हमने फ्रंट ऊपर से कॉट कॉलर के लिए है इसकी विड्थ है वो 10 इंच ली है, और जो लेंथ है वो कंप्लीट नीचे टॉप टू बॉटम तक ही है इसकी। नीचे से हम इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से उसकी चौड़ाई है वो 10 से 11 इंच ही होनी चाहिए, क्योंकि वो कॉट कॉलर है वो बनेगा, इसलिए बैक साइड पे कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मार्जिन ज़्यादा बचना चाहिए। ऊपर से जो हमारे नेक वाली साइड से जो एंड पॉइंट्स हैं इस पर हम 1 इंच की मार्किंग करते हुए इस तरह से इसको राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये राउंड कॉलर बन जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से कॉर्नर वाली भी कॉलर बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको राउंड कटिंग वाली बनाई है, राउंड कटिंग वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस तरह से हम 5 से 5.5 इंच पर इंच करेंगे, 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे दोनों साइड पे। ये दोनों सेम हो जाएगी क्योंकि ये हमने स्टिचिंग करनी है यहाँ पर, तो मार्किंग दोनों साइड पे सेम होनी चाहिए। इस तरह से हमारा नेक है ये बिल्कुल सेंटर में ही आएगा। अब दोनों तरफ से हमें इसको सेटिंग करते हुए मार्क से लेकर टोटल टॉप टू बॉटम तक हमें सीधी स्टिच लगानी है। याद रहे कि हमारा जो अलग से जो हमने फैब्रिक पेस्ट किया है वो फ्रंट साइड पे रख के इसको बैक साइड पे हमने पलटना है। इसको हम कंप्लीट स्टिच कर लेते हैं टॉप टू बॉटम तक। बैक साइड से ध्यान रखिएगा कि बैक साइड से हमारा पीछे से कोई चुनट वगैरह ना आए, क्योंकि वो हमारी फ्रंट पे आएगी। इस तरह से कंप्लीट स्टिचिंग कर ली हमने एक साइड की, दूसरी साइड की भी इस तरह से ही कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी सीखना हो, तो प्लीज़ वो मुझे मैसेज करें, वो मैं इंशाल्लाह उनको वो सिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। या कुछ और भी सवाल है तब भी आप पूछ सकते हैं, मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि आपकी हर मैसेज का लाजमी जवाब दूँ। नेक्स्ट जो हमारा एक साइड का पैटर्न हमने पहले ही स्टिच कर लिया है, दूसरी साइड के पैटर्न पे भी हमने इस तरह से कंप्लीट स्टिच कर लेनी है टॉप टू बॉटम तक, और इसके बाद इसको इस तरह से बैक साइड पे फोल्ड कर देना है। और दोनों साइड्स पे हमारे इस तरह से स्क्वायर पैटर्न था ना, इसको हमने इस तरह से वी कट देकर इसको एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसकी कटिंग कर लेनी है। दोनों साइड पे इस तरह से करेंगे, कटिंग कर लेनी है। बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है, अंगरखा स्टाइल में कॉट कॉलर है तो ये कॉट कॉलर, लेकिन विदाउट कैनवास वगैरह के हमने ये कॉलर बनाई है जस्ट फैब्रिक से। अगर हम कैनवास वगैरह यूज़ करते तो वो बहुत हार्ड हो जाता। इसके बाद इसको बैक साइड पे फोल्ड करके इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे, दोनों साइड्स को अच्छे से प्रेस कर लेंगे।
प्रेस करते वक्त ये याद ध्यान रखिएगा कि जो ब्लू कलर वाला फैब्रिक है वो हमारे फ्रंट साइड पे बिल्कुल भी नज़र ना आए, बिल्कुल भी एक पाइपिंग वाला टच भी ना आए, सारा के सारा बैक साइड की तरफ ही जाना चाहिए, वरना जो आगे की तरफ हम जब स्टिच लगाएंगे तो वो आगे अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने निकाल लिया है इसको कम्प्लीटली प्रेस। प्रेस करने के बाद इसको बैक साइड से डबल फोल्ड कर दिया है दोनों को, और इसकी होगी टोटल हेमिंग। हेमिंग लाजमी है क्योंकि जब हमारा ये रेडी हो जाएगा तो ये हम जब वेयर करेंगे तो ये आगे की तरफ नहीं आएगा, हेमिंग हमारी हो चुकी है। आप चाहें तो आप कर सकते हैं या इसको सिलाई भी लगा सकते हैं, बट हेमिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसके बाद 3 इंच का इससे एक साइड पे टोटल मार्किंग देते हुए अंगरखा स्टाइल आप किसी भी साइड पे रख सकते हैं, लेफ्ट या राइट जो आपकी विश हो। उसके बाद 3-3 इंच का सीधी स्ट्रेट लाइन लगाते हुए और उस जो एक साइड का फैब्रिक है पीस है वो उसको 3 इंच एक्स्ट्रा ही इस लाइन के बराबर ऊपर रखना है, और जो हमने साइड ऊपर नेक पे 5-5 इंच की मार्किंग की थी उसको 5-5 इंच को इस तरह से वी की शेप देते हुए पिन अप कर लेना है टोटली, ताकि वो हमारा फैब्रिक खिले ना। उसके बाद इस तरह से 2-2 इंच की हमने लूप्स की लेंथ रखी है और उसको इस तरह से स्टिच करते हुए लूप्स लगा देनी है। जितनी आप चाहें उतनी लूप्स लगा सकते हैं, मैंने इस यहाँ पर 7 से 8 ही लूप्स लगाए हैं। आपकी विश हो तो आप फुल एंड तक भी लगा सकते हैं। और नीचे इस तरह से हमने 10 इंच का गैप रखना है नीचे से। ये देखिए हमारा कॉलर रेडी हो चुकी है साइड पे अंगरखा स्टाइल, और सेंटर पे हमने सेंटर से फोल्ड करते हुए इस तरह से फ्रंट बैक का पैटर्न रख के हमने सेंटर इस तरह से हमने 15 इंच पे निशान लगाई है। दोनों साइड पे एक एक बॉक्स प्लेट, 2-2 बॉक्स प्लेट डाल दी हैं दोनों साइड्स पे, क्योंकि हमारी जो नीचे से फॉल है वो कवर हो जाए। और फिर इस तरह से बैक का पैटर्न रखते हुए हमने कटिंग कर लेनी है हमारी फिटिंग की, और नीचे से हल्का सा कर्व देना है राउंड शेप में। और बैक का तो नॉर्मली जैसे बैक का नेक बनता है कटिंग करके, हम चाहें तो इसका बुकरम वाला भी लगा सकते हैं, इसलिए जैसा आपको विश लगे जो आपको इजी लगे। बैक साइड से ये हमारी कॉलर है, हमने बैक साइड पे इसके कॉलर नहीं लगाई है, जस्ट फ्रंट में अंगरखा स्टाइल है और बैक साइड पे वो ओवरऑल कॉलर है, उसका पैटर्न अलग से है, ये सिंपल पैटर्न है। उसके बाद हमने कम्प्लीटली अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है नॉर्मली शर्ट की। हमारी शर्ट रेडी हो चुकी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखिए हमारी कंप्लीट इस फ्रॉक की लुक, नीचे से ओपन ओवरऑल हमने फैशन पट्टी के साथ लेस लगाई है, स्लीव्स भी स्ट्रेट हैं, फैशन पट्टी के साथ लेस लगाई है ब्लू कलर में ही, और जो लूप्स थी लूप्स के अंदर इस तरह से पर्ल लगा दिए हैं। साइड पे हमारी 2-2 बॉक्स प्लेट्स हैं। ट्राउज़र को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया था, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ट्राउज़र ही बहुत ही प्यारा और खुश अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।